नमस्कार दोस्तों, रंजन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक है डिस्कस करेंगे वो आपका यूनिवर्सल काउंटर। ठीक है, यूनिवर्सल काउंटर हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल काउंटर नाम ही क्या सजेस्ट कर रहा है कि कोई ऐसा डिवाइस होगा वो मोर देन वन क्वांटिटी को मेजर करता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल काउंटर। अब देखिए क्या है डेफिनेशन इसका, द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड कॉमा टाइम इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी बाई ए वेरियस सर्किट कैन बी असेंबल टूगेदर टू फॉर्म ए वन कम्प्लीट ब्लॉक विच इज नोन एज यूनिवर्सल काउंटर। इट मीन्स दैट अगर आप टाइम पीरियड मेजर करने के लिए मेजर करेंगे तो उसके लिए आपको एक अलग डिवाइस चाहिए, टाइम इंटरवल के लिए अलग चाहिए और फ्रिक्वेंसी के लिए अलग चाहिए। बट इन तीनों अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डिवाइस है, उसको क्या किया गया, असेंबल करके एक सिंगल डिवाइस या सिंगल ब्लॉक जिसको बोल दीजिए या सिंगल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया गया जो कि तीनों पैरामीटर्स को मेजर कर ले, तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं यूनिवर्सल काउंटर। यानी अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, दैट डिवाइस इज नोन एज यूनिवर्सल काउंटर। ठीक है, अब जो यूनिवर्सल काउंटर है, द यूनिवर्सल काउंटर यूजेस लॉजिक गेट्स विच आर सिलेक्टेड एंड कंट्रोल बाई ए सिंगल फ्रंट पैनल स्विच कॉल्ड फंक्शन स्विच। यानी जो का यूनिवर्सल काउंटर है वो लॉजिक गेट का यूज करता है विच आर सिलेक्टेड एंड कंट्रोलिंग बाई ए सिंगल फ्रंट पैनल। कहां से कंट्रोल होता है, फंक्शनल स्विच जो कहां पे होगा, ये आपके यूनिवर्सल काउंटर के फ्रंट पैनल पे होगा। यानी आपके सामने होगा जिस नॉब का, फंक्शन स्विच का एक नॉब होगा, उसका यूज करके क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। अब ये जो यूनिवर्सल काउंटर है वो तीन पैरामीटर्स को मेजर कर रहा है, टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है द यूनिवर्सल काउंटर आर यूजेस थ्री डिफरेंट मोड सच एज फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, टाइम पीरियड एंड टाइमिंग। यानी जो आपका यूनिवर्सल काउंटर है तीन अलग अलग डिफरेंट मोड को का यूज करता है मेजरमेंट करने के लिए। टाइम पीरियड के लिए अलग मोड यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी के लिए अलग मोड यूज करेंगे और टाइम इंटरवल के लिए अलग मोड यूज करेंगे। ये जो है आपको मोड जो सिलेक्शन होगा, ये तीन स्विच देख रहे हैं, ये फंक्शन स्विच से आप सिलेक्ट करेंगे। एक बार में आप एक चीज को मेजर कर सकते हैं, आप टाइम पीरियड मेजर कर लीजिए या टाइम इंटरवल मेजर करिए या फ्रीक्वेंसी। इसमें से एक आपका टाइम पीरियड का है, एक टाइम इंटरवल का है, एक आपका फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए। अब देखा, दिस इज अ कंप्लीट ब्लॉक ऑफ यूनिवर्सल काउंटर। आप इनपुट सेक्शन में देखिए, फर्स्ट ब्लॉक में एम्पलीफायर स्लैश एटेन्यूएटर है और ठीक है। अब देखिए, और सेकेंड ब्लॉक इसका क्या है, इसमें ट्रिगर। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म को हम बोलते हैं इनपुट सेक्शन। अब देखिए, बात करेंगे हम इनपुट सेक्शन का। इसके आगे आपका लॉजिक कंट्रोल सर्किटरी है, नेक्स्ट आपका डिकेड काउंटर असेंबली, उसके बाद आपको यहाँ पे है फंक्शन स्विच, और ये आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर है और इसमें ट्रिगर है, ये आपका टाइम बेस्ड सिलेक्टर एंड डिकेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडर है। अब देखिए, जो इसका ब्लॉक डायग्राम बेसिकली बात करें सेक्शन में हम डिवाइड किया है, तो फर्स्ट सेक्शन आपका इनपुट सेक्शन, उसका लॉजिक कंट्रोल सर्किटरी, डिकेड काउंटर असेंबली, फंक्शन स्विच एंड टाइम बेस्ड सिलेक्टर एंड डिकेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। यानी पांच सेक्शन में वो और ब्लॉक डायग्राम, जो कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है उसको पांच सेक्शन में डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट सेक्शन है इसका, इसको बोलते हैं इनपुट सेक्शन। अब देखिए, जो इनपुट सेक्शन है, इनपुट सेक्शन की बात करते हैं, इनपुट सेक्शन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एम्पलीफायर स्लैश अटेन्यूएटर एंड स्मिथ ट्रिगर। अब देखिए, यहाँ पे जैसे आप इनपुट सिग्नल देंगे, ठीक है, इनपुट सिग्नल देंगे, तो इनपुट सिग्नल क्या है कि इसमें रिक्वायर्ड लेवल चाहिए, पर उस रिक्वायर्ड लेवल से इनपुट सिग्नल वीक है, तो क्या करेगा एम्पलीफायर, उसको एम्पलीफायर करके रिक्वायर्ड लेवल में कन्वर्ट करके स्मिथ ट्रिगर को दे देगा। स्मिथ ट्रिगर क्या करता है, सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है इसमें स्क्वायर वेव के फॉर्म में। देन अगर स्ट्रॉन्ग इनपुट सिग्नल है तो एटेन्यूएटर क्या करेगा, रिक्वायर्ड लेवल पे करके उसको एटेन्यूएट करके रिक्वायर्ड लेवल पर लेके आएगा और स्मिथ ट्रिगर को दे देगा, और स्मिथ ट्रिगर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा आपको स्क्वायर वेव के फॉर्म में। यानी आप देख सकते हैं, द इनपुट सेक्शन कंसिस्ट ऑफ एम्पलीफायर स्लैश अटेन्यूएटर एंड स्मिथ ट्रिगर, द वीक इनपुट सिग्नल इज एम्पलीफाइड। ये वीक सिग्नल है तो एम्पलीफाई हो रहा है, वेयर एज जब कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल इज, अगर आपका स्ट्रॉन्ग इनपुट सिग्नल है उसके जगह पर अगर स्ट्रॉन्ग इनपुट सिग्नल है तो उसको क्या करेगा, एटेन्यूएटर क्या करेगा, एटेन्यूएट कर देगा। द सिग्नल इज देन पास थ्रू द स्मिथ ट्रिगर, देन सिग्नल को हम क्या करते हैं, स्मिथ ट्रिगर से पास कराते हैं, और विच स्मिथ ट्रिगर पास थ्रू द
सिमेट्रिक कर्व विच कन्वर्ट इट इनटू अ स्क्वायर वेव, देन सिमेट्रिक कर्व सिग्नल को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देता है। इन दिस वे इन दिस सेक्शन द इनपुट सिग्नल इज कंडीशन, इस तरीके से हम इनपुट सेक्शन में सिग्नल को कंडीशन कर लेते हैं। अब देखिए सिग्नल कंडीशनिंग होता क्या है कि किसी भी सिग्नल को या इनपुट सिग्नल को हम रिक्वायर्ड लेवल यानी अपने अपने सर्किटरी के रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं सिग्नल कंडीशनिंग, यानी द मॉडिफिकेशन ऑफ सिग्नल इनटू यूजेबल एंड सेटिस्फैक्टरी फॉर्म इज कॉल्ड सिग्नल कंडीशनिंग। यानी किसी भी सर्किट में अगर इनपुट सिग्नल है आपको है लेकिन वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है तो उसको मॉडिफाई करके यूजेबल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सिग्नल कंडीशनिंग। अब देखिए जो सेकंड सेक्शन है वो आपका लॉजिक कंट्रोल सर्किटरी। अब देखिए जो आपका सेकंड सेक्शन है जो है लॉजिक कंट्रोल सर्किटरी। बेसिकली लॉजिक कंट्रोल सर्किटरी कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंट्रोल सर्किट, मेन कंट्रोल फर्स्ट वन इज मेन कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज फ्री फ्लो गेट कंट्रोल। यानी ये दो टू मेन कंट्रोल सर्किट से बने होते हैं, इसी को बोलते हैं मेन कंट्रोल, दूसरे को बोलते हैं हम फ्री फ्लो कंट्रोल। जो मेन कंट्रोल होता है वो यूज करता है जिस फ्रीक्वेंसी को हमें काउंट करना है उसको कनेक्ट करने के लिए डिकेट काउंटर असेंबली से, और जो फ्री फ्लो कंट्रोल गेट है वो क्या करता है उस मेन गेट को एनेबल और डिसेबल करता है। जो मेन गेट बेसिकली आपका क्या होता है वो होता है एंड गेट, एंड गेट होता है। तो आप देखेंगे जो एंड गेट होता है दो इनपुट एंड गेट होता है, जब भी इसका दोनों कोई भी इनपुट बेसिकली एंड गेट में क्या होता है ए और बी, तो यानी वन कब होगा जब ए और बी दोनों क्या होंगे वन होगा, तभी आपका आउटपुट आपको मिलेगा अदरवाइज जीरो हो जाएगा। यानी जो इसके मेन गेट होता है वो एनेबल और डिसेबल, मेन गेट को एनेबल और डिसेबल करने के लिए ये जो था फ्री फ्लो कंट्रोल गेट। जिससे देखिए जो फर्स्ट एक इनपुट है कहाँ से आता है जो फ्रीक्वेंसी टू भी काउंटेड होता है, और सेकेंड इनपुट होता है जो फ्री फ्लो कंट्रोल गेट है उसका आउटपुट। अब देखिए जैसे फ्री फ्लो कंट्रोल गेट का आउटपुट अगर लो होगा वैसे क्या होगा ये डिसेबल होगा, जैसे हाई होगा ये इनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट जो डिकेट काउंटर असेंबली है जो भी पैरामीटर्स को काउंट करना चाहे कि टाइम पीरियड मोड में से रखे तो टाइम पीरियड में आपका काउंट बता देगा, फ्रीक्वेंसी मोड में है तो फ्रीक्वेंसी बता देगा, और आपका टाइम इंटरवल है तो टाइम इंटरवल को बता देगा। नेक्स्ट है आपका डिकेट काउंटर असेंबली। इसमें जो डिकेट काउंटर असेंबली होता है वो क्या होता है ना दिस इज असेंबली ऑफ डिकेट काउंटर, असेंबली यानी मेनी नंबर ऑफ टिकट काउंटर्स क्या होते हैं असेंबल टुगेदर होते हैं, इसको बोलते हैं टिकट काउंटर असेंबली। जो कि क्या करता है फ्रीक्वेंसी काउंट करता है, फ्रीक्वेंसी काउंट करके टाइम पीरियड काउंट करना है तो टाइम पीरियड काउंट करेगा, और टाइम इंटरवल काउंट करता है टाइम इंटरवल को काउंट करके शो कर देगा। जो फंक्शन से जो भी आप मोड को सिलेक्ट करेंगे उस मोड वही चीज काउंट करके आप टिकट काउंटर असेंबली आपको बता देगा। अब टिकट काउंटर जो बेसिकली होता क्या है, एक टिकट काउंटर है तो जीरो से लेके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तक काउंट करता है, देन वो नेक्स्ट पोल पे रिसेट हो जाता है। बट ये मेनी नंबर्स ऑफ होते हैं तो नेक्स्ट नाइन के बाद टेन इलेवन ट्वेल्व सोन कैलकुलेट काउंट करके आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दे, चाहे आप फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे तो फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले हो जाए फ्रीक्वेंसी की रीडिंग आ जाएगी, आप टाइम पीरियड मेजर करें तो टाइम पीरियड की रीडिंग आ जाएगा, आप टाइम इंटरवल मेजर करें तो टाइम इंटरवल आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका सेक्शन है ये है सेक्शन नंबर फोर, वो है आपका फंक्शन स्विच। अब देखिए बेसिकली फंक्शन स्विच है इसमें देख रहे हैं तीन टर्मिनल है, एक टर्मिनल आपका फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए है, दूसरा टर्मिनल आपका टाइम इंटरवल मेजरमेंट के लिए है, और एक टर्मिनल आपका टाइम पीरियड मेजरमेंट के लिए है। यानी द फंक्शन स्विच विच कनेक्ट्स द वेरियस एलिमेंट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ऑपरेशन। जो फंक्शन स्विच है वो क्या करता है कनेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ऑपरेशन सर्किट। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम है इसमें से क्या क्या कनेक्ट करना है, तो मोड ऑफ ऑपरेशन जैसे आप फ्रंट पैरल स्विच से सेलेक्ट करेंगे उससे क्या करेगा वो एक सर्किटरी क्रिएट कर देगा, फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी वाला सर्किटरी क्रिएट हो जाएगा, टाइम पीरियड के लिए तो टाइम पीरियड मेजरमेंट वाला सर्किटरी आपको क्रिएट हो जाएगा, और टाइम इंटरवल के टाइम इंटरवल वाला सर्किटरी ये कनेक्ट होकर रेडी हो जाएगा ब्लॉक कर देगा। इससे आप टैक्टली क्या मेजर कर सकते हैं टाइम पीरियड मेजर करना, टाइम पीरियड जो भी मोड आपने यहाँ सेलेक्ट किया हो तीनों पैरामीटर से कोई सा भी वो मेजर कर सकते हैं। जब हम मेजरमेंट थ्रू यूनिवर्सल काउंटर देखेंगे तो वहां पे देखेंगे हर एक के लिए कौन से ब्लॉक्स है तो वहां से आपको और ज्यादा क्लियर होगा।
नेक्स्ट जो लास्ट ब्लॉक है ये आपका है डिकेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडर एंड टाइम बेस सिलेक्टर। डिकेड ये जो कंप्लीट ब्लॉक है इसको बोलते हैं डिकेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडर एंड टाइम बेस सिलेक्टर। अब देखिए डिकेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडर क्या है, सर्किट है विच आर यूज टू जनरेट द हार्मोनिक्स ऑफ इनपुट। ये क्या करता है, हार्मोनिक्स को जनरेट करता है किसके लिए, इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी के लिए। यानी इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करता है, डिकेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडर हार्मोनिक्स जनरेट करता है। अब देखिए हार्मोनिक जनरेट करता है, अब देखेंगे इनपुट और आउटपुट का रेशियो निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा 10 के पावर n में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हार्मोनिक जनरेट कर रहा है वो 10 के रेस्पेक्ट में, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6 एंड सो ऑन। अगर चाहे तो और भी आप ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा रेशियो ऑफ इनपुट टू द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज 10 के पावर n, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है द टाइम इंटरवल बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ गेट। अब देखिए जो टाइम इंटरवल स्टार्ट और स्टॉप गेट के बीच के जो ड्यूरेशन होता है उसको कहते हैं टाइम बेस, और कौन डिटरमाइन करता है, टाइम बेस सिलेक्टर। टाइम बेस सिलेक्टर से हम डिटरमाइन कर लेते हैं। अब देखिए द आउटपुट फ्रॉम द डिफरेंट डिकेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, देखिए अलग अलग डिकेड आउटपुट फ्रॉम द डिफरेंट डिकेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडर है और देखिए अलग अलग टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे क्या होता है अलाउ होता है टाइम बेस सिलेक्टर विच अलाउज द डिफरेंट टाइम इंटरवल। अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलाउ होता है, इस वाले ये जो है फर्स्ट टाइम इंटरवल पे होता है 1 माइक्रोसेकंड पे, फिर ये डिवाइडर 10 माइक्रोसेकंड पे, ये यहाँ पे आपका यानी 10 पावर 0, 10 पावर 1 पे 10 माइक्रोसेकंड, 10 पावर 2 है 100 माइक्रोसेकंड पे अलाउ हुआ, 10 पावर 4 है आपको 1 मिली सेकंड पे होगा, 10 पावर 5 है 10 मिली सेकंड पे होगा, 10 पावर 6 है 100 मिली सेकंड पे, 10 पावर 7 है 1 सेकंड पे अलाउ होगा। तो दिस इज अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिवर्सल काउंटर, जो कि आज के लेक्चर में यही हम खत्म करेंगे। जिसका नेक्स्ट लेक्चर होगा यूनिवर्सल काउंटर का, होगा हाउ टू मेजर टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम इंटरवल बाय यूजिंग यूनिवर्सल काउंटर। उसका हम हरेक का अलग अलग बल्ब डायग्राम के साथ उसको डिस्कस करेंगे, जो कि मैं कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, ब्लॉक डायग्राम ऑफ यूनिवर्सल काउंटर डिफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिवर्सल काउंटर। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।